हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरी क्लासेस इंडेक्स नंबर का। तो मैंने कहा था कि टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर हम आज स्टडी करेंगे, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो तीन टाइप का होता है, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स। तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग प्राइस ऑफ टू पीरियड, दो पीरियड की प्राइस कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटी ऑफ टू पीरियड, यहाँ पे कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ टू पीरियड, यही बात है। तो प्राइस इंडेक्स को हम पहले समझते हैं कैसे लिखा जाता है प्राइस इंडेक्स को। ठीक है ना बेटा, तो प्राइस इंडेक्स हम पहले समझेंगे। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स और इसके बेसिस पे बाकी को समझ सकते हैं, एक ही पॉइंट है। सपोज कीजिए 2015 यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे 2020 दिया हुआ है, प्लीज आप देखिए। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लीजिए कि इस गुड्स की प्राइसेज आपको सपोज कीजिए 12 रुपीज है और यहाँ पे प्राइसेज आपको 2020 में 18 रुपीज हो गया। अब अगर मान लीजिए इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, तो प्राइस हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स ऑफ 2020 कंपेयरिंग 2015। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको कैसे लिखते हैं, 2015 के प्राइस को 2015 के प्राइस के कंपेयर में किसको कंपेयर कर रहे हैं, 18 ये वाला, ऐसे कंपेयर लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे, कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज कर गया, तो 50% इतना, दैट इक्वल टू 50% प्राइस हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला की कंपेयर में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है बेस ईयर, कहा जाता है इसको, कहते हैं बेस ईयर। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करंट ईयर, इसका नाम क्या होता है, करंट ईयर। हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बेस ईयर को हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट ईयर को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, P1 से कंपेयर करते हैं। तो जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, इसको हम सिंबॉलिक टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिक टर्म में लिखेंगे P01, इसको सिंबॉलिक टर्म में क्या लिखेंगे, P01। तो हमारे पास हमेशा P0 हो जाएगा और यहाँ पे हमेशा आपको P1 होगा और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ना, तो आपको ये वाला न्यूमरेटर में हमेशा कौन सा ईयर होगा, करंट ईयर होगा, और डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा ईयर होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा आपका बेस ईयर होगा, हमेशा कौन सा ईयर होगा, बेस ईयर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात, जो बेस ईयर होगा वो पहले होगा और डिनोमिनेटर में आएगा, जो करंट ईयर होगा वो बाद में होगा, न्यूमरेटर में आएगा, इसको बस समझिए। इसको अब P01 से कंपेयर करते हैं, P01 से कंपेयर करते हैं, बात को समझिए। तो हम अगर मान लीजिए ऐसे लिखे हैं P10, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारा 1 के कंपेयर में हमने इसको कंपेयर किया, दैट इज दिस, इसका मतलब हमने इसके कंपेयर में हमने इसको कंपेयर किया इनटू दिस, इसका मतलब क्या, प्राइस हम 2015 को कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस हम 2015 को कंपेयर कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में 2020 के रेस्पेक्ट में हम ऐसे हमने किया, क्योंकि इसको तो हमने क्या माना है, पी आपको जीरो माना है,
इसको हमने क्या माना है, पी वन माना है। तो एक बात आपको कंपेयर माइंड में रखना पड़ेगा कि हमेशा जो पहले वाला होता है उसको क्या कहते हैं, बेस ईयर कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, हम कहते हैं बेस ईयर, इसको करंट ईयर कहा जाता है। तो बेस ईयर को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो एक बात आपको माइंड रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में, पी जीरो और यहाँ पे पी वन इंटू हंड्रेड, इंटू हंड्रेड लिखता है। तो सबसे पहला वाला जो प्रीवियस ईयर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस ईयर मानते हैं। हम लोग इसको क्या मानते हैं, प्रीवियस ईयर को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट ईयर को हम लोग क्या मानते हैं, वन से कंपेयर करते हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो हमारा ये तरीका है लिखने का, ये तरीका है लिखने का, समझ गए। अगर मुझे आप बताइए, अगर मैंने ऐसे लिखा तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो पी जीरो पी वन इंटू हंड्रेड। अगर मैंने पी वन जीरो लिखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी वन पी जीरो इंटू हंड्रेड। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट रिप्रेजेंट करनी है, क्वांटिटी डिस्काउंट सॉरी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अगर अब मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे लिखेंगे, क्यू जीरो वन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड। यहाँ पे क्यू वन जीरो, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू वन क्यू जीरो इंटू हंड्रेड। अगर मुझे वैल्यू इंडेक्स लिखनी है, वैल्यू इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे बताइए, वैल्यू जीरो वन, तो हम क्या लिखेंगे, वी जीरो वी वन इंटू हंड्रेड। अब वी वन जीरो को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वी वन वी जीरो इंटू वन। तो एक बात हम सर, सबसे पहले आपको क्या क्या मैंने बताया इसको समझिए, जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हम जनरली बेस ईयर मानते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं दिया है तो, और उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस साल को हम बाद वाले ईयर सब्सिडिंग ईयर को क्या मानते हैं, वन से कंपेयर करते हैं, वन लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। डिनोमिनेटर में हमेशा बेस ईयर आता है, न्यूमिनेटर में बेटा करंट ईयर आता है, डिनोमिनेटर में हमेशा बेस ईयर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑलवेज बेस ईयर होता है। डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा ईयर होता है, बेस ईयर होता है। न्यूमिरेटर रेटर ऑलवेज करंट ईयर होता है, करंट ईयर होता है। ये बेस ईयर को हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आज जो आपको न्यूमिरेटर में करंट ईयर मानते हैं, तो ईयर करंट ईयर बेस ईयर यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो हम क्या मान के कंपेयर किए हैं, हमने माना कि यहाँ पे 2015 को और 2020 को, अब यहाँ पे हमने ये अगर Q1 है Q0 है और ये Q1 है, तो हमने क्या कहेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ 2015 कंपेयर विथ 2020, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ 2015 कंपेयर विथ 2020, क्योंकि 2020 को यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको समझिएगा, आपको मैं समझाना चाहता हूं। यहां पे लिखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे ऐसे, तो इसको लिखेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर वन ऑन द बेस ऑफ ईयर
जीरो, प्राइस इंडेक्स ऑफ जीरो ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ जीरो ईयर ऑन द बेस ऑफ ईयर जीरो। अब यहाँ पे सपोज कीजिए पी जीरो वन मैंने लिखा, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर वन ऑन द बेस ऑफ ईयर जीरो। अगर मैंने यहाँ पे Q01 लिखा तो क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ ईयर वन ऑन द बेस ऑफ जीरो। अगर मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा, 10 लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ जीरो ईयर ऑन द बेस ऑफ वन ईयर। यहाँ पे अगर मैंने V01 लिखा तो वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ ईयर वन ऑन द बेस ऑफ जीरो ईयर, वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ जीरो ईयर ऑन द बेस ऑफ वन ईयर। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो इसको हम बेस मानेंगे और इसको हम करंट मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, P0 P1 × 100। ये बात माइंड में रखनी है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसको हम बेस मानेंगे, इसको हम करंट मानेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, P1 P0 × 100। इसी तरह आप क्वांटिटी इंडेक्स भी लिखेंगे, इसी तरह आप वॉल्यूम इंडेक्स भी लिखेंगे। बहुत अच्छा से आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ जो पहले होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो बाद में होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, क्योंकि इसके कंपेयर में इसको कंपेयर किया जा रहा है, इसके बेस पे इसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है ना बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेथड्स को समझाएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो क्लासेस में चला। ओके, थैंक यू क्लास।